और आप सभी लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। सॉरी क्योंकि घर पे इतना सारा काम था, मैं ब्लॉग नहीं एडिट कर पाई और ना ही मैं ब्लॉग बना पाई हूँ दिवाली का। कोई बात नहीं, और आज का जो गोवर्धन पूजा वाला है वो आज का मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ और ये मैं अपलोड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कानपुर में कैसे गोवर्धन पूजा की जाती है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आ गए नए वाले घर पे। एक मेरा नया घर बना हुआ है, मैं उसमें आ गए सफाई करने के लिए। और दिवाली का टाइम हो नहीं पाई थी क्योंकि हम सभी लोग बाहर रहते हैं, तो सोचा अब सफाई कर लेते हैं घर। आपको अपना घर दिखाती हूँ कौन सा घर बना हुआ है। धुलाई होगी आज, सिर्फ धुलाई होगी। देखिए ये कमरा है, और यहाँ से देखिए रेलवे ट्रैक दिखती है। पेड़ पौधे ज़्यादा हो रखे इसलिए दिख नहीं रहे। पापा भी सफाई कर रहे हैं धुलाई के लिए कि बस ये सारा सामान हट जाए और धुलाई करें। और ये रही अमृता, मेरी छोटी सिस्टर। दोनों छोटी सास भी आ रही है। शेरा शायद आपको दिख रहा होगा, यह रेलवे ट्रैक। जिस घर का मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा गांव में घर पड़ता है। ये सब धुलाई करना है। कल सफाई तो हो गई थी, धुलाई नहीं हो पाई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। ये रही मेरी छत, और एक खास बात पता है क्या है इसमें कि यहाँ पर आपको जितने भी पीछे घर दिख रहे होंगे सारे मेरे परिवार वाले गांव वाले ही हैं। और मेरी दादी का घर दिखाती हूँ कहाँ है। ये वाला जो दिख रहा है बड़ा सा, इसी के जस्ट पीछे है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, तो मेरी दादी का घर दिखता नहीं है, पहले दिखता था। ये घर नहीं है, ये स्कूल है। पहले मैं 6th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, और जस्ट इसके पीछे मेरी दादी का घर है। और हम लोगों का घर तो यहाँ से दिखेगा ही नहीं, जहाँ हम लोग रहते हैं वो काफ़ी दूर है। और ये वाला मेरे अंकल का घर है। ये मेरे अंकल जी का घर है, ये हमारा है जिसमें मैं खड़ी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सफाई करने। ही देखिए छत पे कितना सारा गंदा पड़ा हुआ है, ये सफाई करनी है मेरे को, और धुलाई पापा और बहन करेंगे। गाइस छत तो इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है ना कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतनी ज़्यादा गंदी है और वो भी सफाई मुझे अकेले करनी है। कोई हेल्प करा देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई हेल्प कराने के लिए नहीं आने वाला, अकेले ही करना है। क्योंकि जितनी देर में नीचे धुलाई होगी उतनी देर में मुझे फर्श मतलब छत पूरी साफ़ करनी है। और जब साफ़ हो जाएगी इसकी धुलाई होगी, इसके बाद जाके घर पे बहुत सारे कपड़े धुलने क्योंकि कल मुझे निकलना है नोएडा के लिए फिर से अपनी जॉब शुरू। पता नहीं मुझे कब आने को मिलेगा। मुझे तो लग रहा है मैं हेल्प करने के लिए ना किसी न किसी को बुला लूँ मेरे से होगा नहीं। जब से मैं बाहर रहने लग गई हूँ ना, मैं थोड़ा सा काम चोर हो गई, इतना सा हुई पर हो गई हूँ क्योंकि मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ। कोई नहीं, मैं सफाई करती हूँ, आप लोग देखना और बताना कि मैंने कैसे सफाई की इतनी बड़ी सी झाड़ पे। ओके करती हूँ सफाई, आप लोग। बोला
रहा था कि देखिए रेलवे ट्रैक, ये मालगाड़ी जा रही है। फिर आज मालगाड़ी देखने से मेरा काम नहीं होने वाला, काम तो मुझे खुद भी करना पड़ेगा। मैं थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना बता नहीं सकती हूँ। फिर आज मेरे को काम फटाफट ख़त्म करना है, क्योंकि मम्मी पापा और बहन की ना नीचे साफ़ सफाई तो फिलहाल हो ही गई है, धुलाई भी अच्छे से हो गई, आवाज़ आ रही है बार बार, ऊपर सफाई हुई हो तो आऊँ मैं फटाफट करती। फिलहाल मेरा हुआ नहीं, इतना सारा कूड़ा हो रखा है, अभी आपको मैं दिखा रही कितना कूड़ा है। ये देखो गैस, इतना सारा कूड़ा है, अभी मैं कितने बार, तीन बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ, कोने कोने में देखिए कितना सारा कूड़ा रह रहा, पता नहीं इसको मैं कैसे साफ करूँगी। फिर मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ ताकि पापा बहन आके ऊपर सफाई कर सके। गैस मेरी झाड़ू तो लग गई है, साफ भी हो गया, फिर से पापा कूड़ा उठा रहे। गैस मैं आपको अपने हाथ दिखाऊं, ये देखिए कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, और उतना ही गंदा मेरा फेस हो गया है। ओ हाय, बहुत ही बुरा, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आखिर रंग आ ही गया, और अब हम लोगों ने ना सफाई तरह से कर ली है, बस लास्ट में थोड़ी सी बालकनी रह गई है, वो सिस्टर साफ कर रही है, और साफ करने के बाद अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। गाइस मैं फिर से अपने पुराने वाले घर पे आ गई हूँ, और अब बनाने जा रहे हैं गोवर्धन, जिसकी भी पूजा होनी है। शाम टाइम हो गया, मैं फटाफट गोवर्धन बनाती हूँ, फिर यहाँ से निकलती हूँ, और पूजा में जो भी प्रसाद चढ़ता है उसको भी मुझे बनाना पड़ेगा, फिर उसको चढ़ाना पड़ेगा। अभी तो मैं बनाने जा रही हूँ गोवर्धन। मैंने अपनी दादी के साथ बहुत ही अच्छे से गोवर्धन बताया, दादी जैसा जैसा बताती जा रही थी मैं वैसा वैसा बनाती जा रही थी। लेकिन एक चीज़ तो है, घर पे अगर बड़े बूढ़े होते तो घर पे कुछ रौनक ही अलग ही होती है। जैसे मेरी दादी चाहती मैं हमेशा वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन कभी भी उनके मन का नहीं बना पाती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमेशा रह जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये याद गलतियाँ जो मैं करती हूँ उनको भी याद रहती है, और हो सकता है आगे चल के मुझे भी याद रहे, आगे से मैं गलतियाँ ना भी करूँ। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत अच्छा लगता है बड़ों की डांट खाने में। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग, जो मेरा ब्लॉग होता है बहुत लेट आता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और मेरा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे गोवर्धन कैसे बने थे, कानपुर में किसके यहाँ कैसे कैसे पूजा की जाती है।